रहस्यमयी मौत, सड़क दुर्घटना में परिजनों का कहना हत्या। घटना संबंध में एसपी ऑफिस तक शिकायत। मामला ओंकारेश्वर के थापना से प्रदीप बिरला की मौत से जुड़ा। सुलगते सवालों के बीच प्रदीप बिरला की मौत। घटना के घंटों बाद गाड़ी गायब। दत्तू नामक व्यक्ति से हुई टक्कर, फिर हुआ था वहां विवाद। टक्कर उपरांत हुई थी मारपीट और घटना स्थल के घंटों बाद अन्य जगह से मिली गाड़ी। घटना स्थल के समीप गुरुकृपा ढाबे पर जमता है अपराधियों का मजमा। जांच में खुलेंगे कई राज। घटना के वक्त मौजूद थे चार अज्ञात व्यक्ति। राहगीरों का कहना, सड़क के मामूली विवाद ने लिया हत्या का रूप। हत्या के पहले हुआ था विवाद और प्रदीप ने मांगी थी माफी। बिना फॉरेंसिक जांच के घटना स्थल से गायब गाड़ी। दुर्घटना में गाड़ी को कोई नुकसान नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है थाना मानधाता के मोड़ टक्का से, जहां ओंकारेश्वर मार्ग के बीच ग्राम थापना के समीप दिनांक 12 जून 2021 को हुई दुर्घटना में प्रदीप पिता सेवक राम निवासी ग्राम मोड़ घड़ी की मौत हो गई। और इस घटना में घायल हुए व्यक्ति दत्तू पिता यशवंत राव भवन निवासी ग्राम थापना घायल हुआ है, जो की खंडवा हॉस्पिटल में भर्ती है। वही अब यह मामला बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं इस मामले के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और यह पता लगाना मुश्किल होता जा रहा है कि यह कोई हादसा है या फिर हत्या। दरअसल इस मामले के गरमाने के पीछे कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि यह मामला काफी संदिग्ध नजर आता है। जिस वक्त घटना हुई उस समय घायल दत्तू के साथी मनीष पिता, मिश्रीलाल एवं अन्य 5 से 7 लोगों द्वारा मौके पर मौजूद होना। अब पुलिस को यह बताया गया कि प्रदीप मोटरसाइकिल से ओंकारेश्वर की ओर अपने घर मोड़ घड़ी जा रहा था, तभी प्रदीप की मोटरसाइकिल से पैदल आ रहे दत्तू से टक्कर हो गई, जिसमें दत्तू घायल हो गया, किंतु प्रदीप की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। जिस मोटरसाइकिल से यह दुर्घटना हुई है उसे देखने पर यह प्रतीत बिल्कुल भी नहीं होता कि दुर्घटना जरा भी गंभीर थी। पुलिस को सूचना देने के उपरांत भी घटना स्थल से दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल वहां से बिना फॉरेंसिक जांच के एक गायब हो जाती है, जो कि जांच का विषय है। यहां भी दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल थाना बड़वाहा क्षेत्र में कैसे पहुंची एवं मोटरसाइकिल के साथ छेड़छाड़ भी की गई है। हमारे द्वारा आसपास के क्षेत्र एवं ग्राम थापना के ग्रामीणों से दुर्घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिससे ग्रामीणों एवं अन्य द्वारा यह बताया गया कि दुर्घटना के बाद मृतक प्रदीप के साथ घायल दत्तू के साथियों द्वारा मारपीट की गई। उक्त मारपीट से प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही ग्रामीण दत्तू के साथियों एवं राजनीतिक नेताओं के डर के कारण पुलिस को सामने आकर बयान नहीं दे रहे हैं। बड़वाहा थाने से हमारे पास सूचना प्राप्त हुई कि दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल बड़वाहा के डॉक्टर गोयल के पास गली में पड़ी हुई है। घटना स्थल से मोटरसाइकिल को बिना पुलिस के वहां से हटाना एवं मोटरसाइकिल का बड़वाहा में मिलना जांच का विषय है। हमें आशंका है कि दत्तू के साथियों द्वारा घटना स्थल से मोटरसाइकिल को गायब कर दिया गया था। वही आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि दत्तू एवं उसके साथियों द्वारा प्रदीप के साथ मारपीट की गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और वहीं इस पूरे मामले को बड़ी ही सतर्कता से, बड़ी ही सावधानी से दुर्घटना का रूप दे दिया गया है। साथ ही थाना मानधाता पर दुर्घटना एवं जांच के संबंध में जब जानकारी मांगी जाती है तो थाने पर पदस्थ अधिकारियों द्वारा उक्त संबंध में जानकारी नहीं दी जा रही है। लगातार परिजनों द्वारा जाँच की मांग की जा रही है। The report, Voice of Life.